हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, अलोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड सेम है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? देखो एक चीज़ को समझो, 25 मिनट्स में अगर वो 14 किलोमीटर ट्रक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो 5 आवर्स में ज़्यादा करेगा ट्रेवल या कम करेगा? ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है। 25 मिनट में इतना चला तो 5 आवर्स में ज़्यादा ही चलेगा, तो यानी कि टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट का केस है ये, तो हमें पहले ही पता चल गया इसमें, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं इसके। देखो इसमें भी एक टेबल बनाओ पहले आप, इसमें इस तरीके से देखो। मेन क्या होता है इसमें, यूनिट्स का चक्कर होता है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं टाइम और नीचे लिख लेते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस जो है वो है किलोमीटर में, और टाइम देखो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, अगर आप देखोगे 25 मिनट दिए हुए हैं और नीचे दिया हुआ है 14 किलोमीटर, तो ये मिनट में तो हम मिनट ही कर लेते हैं इसको, टाइम को मिनट्स में ले लिया हमने, ठीक है। फिर आगे कहता है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना चलेगा? तो 5 आवर्स है, तो मैं आवर्स तो नहीं लिख सकता यहाँ तो, क्योंकि मिनट में ले लिए, तो 5 आवर्स को हम कैसे लेंगे? देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर में कितने होंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, पता है ना 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर में कितने होंगे? 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 300 मिनट्स आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे 300 मिनट्स, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क डालना है, क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो वही है, इसको X1 लो, इसको Y1, इसको X2 और इसको Y2। ये तो पता है ना आपको, कैसे लेते हैं हम ये, और X और Y मान लेते हैं हम इसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया टाइम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? क्योंकि उसने बोला है कि स्पीड सेम है। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, स्पीड अगर हम ज़्यादा कर देंगे टाइम कम ही लगेगा। समझ रहे हो इतनी बात, कि टाइम फिर ज़्यादा नहीं लगेगा, हम कह रहे हैं अगर ज़्यादा में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वो बात सही है। लेकिन यहाँ स्पीड उसने क्या बोल दी है, सेम है। अगर स्पीड सेम है तो 25 मिनट में अगर वो 14 किलोमीटर ट्रैवल होता है, तो ऑब्वियसली बात है 300 मिनट में कैसा होगा, यानी कि 5 आवर्स जो हमने बोला था उसको 300 मिनट कन्वर्ट किया, तो 300 मिनट में तो ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बताओ आप। तो मैंने इसलिए बोला कि टाइम बढ़ रहा है इसलिए डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये स्पीड का केस होता, ठीक है, स्पीड और टाइम की कहानी होती, स्पीड होती और टाइम होता, ठीक है, डिस्टेंस की जगह क्या होता, अगर स्पीड हम कहते कि चेंज कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम स्पीड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मान लो एक में मैंने कहा 10 की स्पीड है और एक में कितनी कहा मैंने 20 की स्पीड है, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर टाइम जो है 2 आवर्स का लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है? 1 आवर का लगने वाला है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस सेम है। मान लो आप, हम बात कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ स्पीड सेम थी ना जैसे, यहाँ डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, 10 की स्पीड में वो 2 आवर ले रहा है मान लो, ये एक एग्जांपल है बस, और कुछ नहीं है, कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाओ इसमें कि ये कैसे हो रहा है। और 20 की स्पीड है अगर, तो 1 आवर ले रहा है। तो ये चीज़ क्या है फिर? इन्वर्स का केस है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये इन्वर्स का केस है, ये अलग है कहानी, ठीक है। लेकिन टाइम डिस्टेंस के केस में डायरेक्ट का ही केस बनता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट का केस है, तो हमें पता है X1 बाय Y1 इज इक्वल टू में X2 बाय Y2। X1 है 25, Y1 है 14 और X2 है 300। तो हमें Y2 हमें फाइंड आउट करना है। Y2 इधर ले जाओ, 300 इधर है और ये 14 इधर चला गया और ये वाला 25 नीचे आ जाएगा। ये तो पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में, Y2 इधर गया, 14 इधर गया और ये 25 नीचे आया है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें देखें, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड ये 0 और 5 1 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 10, तो ये 12 आ गया और ये 14 है। तो 12 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम जब, तो ये आएगा आपके पास 8 6 और 1 168 किलोमीटर। तो यानी कि जो Y2 आया है, जिसको हमने क्या माना था यहाँ पर, डिस्टेंस माना था कि 300 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो हमें पता चलेगा कितना है, 168 किलोमीटर। तो ये आपके पास आंसर होगा। क्या समझ में आया? ठीक है, किलोमीटर क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस हमने किलोमीटर में लिया था, तो किलोमीटर में आया है। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीज़ आपको समझ में भी आ रही होगी। देखो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चला, तो 300 मिनट में कितना चला, 168। समझ रहे हो? तो टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ गया है यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? और 300 मिनट ही हमारे ये 5 आवर्स है। कहीं सोचोगे तो 300 मिनट का निकला है, 5 आवर्स का नहीं निकला, 5 आवर्स को ही 300 मिनट में लिया है हमने। क्लियर है? तो आंसर है आपके पास 168 किलोमीटर। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट है। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर 13.2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।